हेलो दोस्तों, किन्नौर और स्पीति सीरीज के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। शिमला से शुरू करके हम फर्स्ट पार्ट में कल्पा पहुंचे थे, सेकंड पार्ट में कल्पा और रिकोंगपियो के लोकल साइट सीइंग पॉइंट्स कवर किए, थर्ड पार्ट में हांगो और अब फोर्थ पार्ट में स्पीति घाटी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। इन पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट। हांगो से सुबह निकलने के बाद HRTC बस में मैं नाको लूप्स तक आया और यहां से स्पीति की ओर जाना है। यहां लगभग आधा घंटा मैं इन पहाड़ों को निहारता रहा। इक्का दुक्का गाड़ियों और इन भेड़ों के अलावा यहां सब कुछ शांत था। फिर इतने में शिमला काजा बस आ गई और मैं बस में सवार हो गया। अभी ये बस सुबह 7 बजे रिकोंगपियो से चलकर आ रही है और 10:30 बजे तक नाको पहुंच जाएगी। बस ऑलमोस्ट फुल है, पर का विलेज में किसी के उतरने के बाद मुझे आगे 4 नंबर सीट मिल गई। सबसे पहले तो आप इस बस के इंटीरियर को देखिए, क्या बढ़िया सजाई हुई है। रिकोंगपियो यूनिट की मैक्सिमम बसेस को अच्छे से सजाया गया होता है। मैंने यहाँ से ताबो का टिकट लिया। पिछले कल की बात करें तो रिकोंगपियो से हांगो का टिकट 260 रुपये का था और चाय समोसा के 30 रुपये के अलावा और कोई भी खर्चा नहीं हुआ। नेगी जी ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, तो 290 रुपये कल का कुल खर्च था। थोड़ी ही देर में बस नाको पहुंच गई और यहां इस बस का 15-20 मिनट्स का चाय पानी का ब्रेक होता है। नाको 3662 मीटर्स की ऊंचाई पर है और यहां से बर्फ़ से ढके पहाड़ों के सुंदर व्यूज़ दिखाई देते हैं। अगर ये सामने वाला पहाड़ ना हो तो नाको और हांगो एकदम आमने सामने हैं। यहां ये कांगड़ी ढाबा काफ़ी फेमस है। मैं सुबह हांगो से बिना कुछ खाए पिए ही निकल गया था और इसीलिए मैंने यहाँ पर बस के स्टाफ के साथ ही ब्रेकफास्ट किया। बस के पैसेंजर्स के लिए यहाँ थाली 60 रुपये की है, अदरवाइज 100 रुपये की। नाको तक का रोड काफ़ी अच्छा बन चुका है, लेकिन नाको से आगे थोड़ा कच्चा है और इसे ठीक किया जा रहा है। उम्मीद है इस सीज़न में ये रोड भी अच्छा बन जाएगा। मलिंग नाला के पास सड़क हमेशा की तरह अभी भी खराब ही है। नाले के दोनों ओर ये लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं और रोड भी बंद हो जाता है। आज भी यहाँ कुछ इसी तरह का हाल है। BRO की मशीन्स रोड क्लियर कर रही हैं। दरअसल यहाँ पहाड़ कच्चा है और पत्थरों को बांधे रखने के लिए वेजिटेशन या मिट्टी भी नहीं है, तो पत्थर रोज़ नीचे गिरते रहते हैं। यहाँ हमें लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ा। नाला से पहले यहाँ रिटेनिंग वॉल्स बनाने का काम चल रहा है। ड्राइवर ने बताया कि ये आदमी ऊपर नाले से पानी भरकर गधों पर लादकर नीचे गांव तक पहुंचाता है। और उस तरफ काजा से शिमला जाने वाली बस भी आ गई है। ये बस काजा से सुबह 7:30 बजे चलती है। तो लंबे इंतज़ार के बाद बस ने अपना सफ़र फिर से रिज्यूम किया और इन कीचड़नुमा रास्तों में से होके हम निकल रहे हैं। हमसे पहले जो छोटी गाड़ियाँ निकली वो तो यहाँ फंसी गई थी और सबको धक्का मारकर निकालना पड़ा। Thank you.
और ये काजा से शिमला जाने वाली बस, ड्राइवर्स यहाँ पर हाय हेलो करेंगे और आगे वाले रास्ते का हालचाल भी जानेंगे। मलिंग नाला पार करने के बाद बस नीचे चांगो की ओर उतरती है और ये समदो चेक पोस्ट है। यहाँ फॉरेन नेशनल्स के परमिट्स चेक होते हैं। फॉरनर्स को काजा या स्पीति में आने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए कोई परमिट की ज़रूरत नहीं रहती। और इसके बाद हुरलिंग में बस का लंच ब्रेक होता है। ये बस के ड्राइवर सागर ठाकुर हैं और इन्होंने अपने पैसों से इस बस को डेकोरेट किया है। अभी नाको में ही ब्रेकफास्ट किया था तो ज़्यादा भूख नहीं है। होर्लिंग में दो तीन होमस्टे और कुछ ढाबे भी हैं और ये एक रैली भी यहाँ से गुजर रही है। होर्लिंग से चलने के बाद लगभग 3 बजे बस ताबो पहुँच गई। ये ताबो का बस स्टैंड है और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं उतरा। 2-4 मिनट्स रुकने के बाद बस काजा की ओर भाग गई। ये गेट के अंदर आने वाला रोड आगे मार्केट और फिर मोनेस्ट्री तक भी जाता है। अभी कोरोना की वजह से सब कुछ सूना सूना लग रहा है। मैं पहले मेन रोड पर ही आगे की ओर गया ताकि 2-4 होटल्स में रेट पूछ सकूं, बट फिर किसी ने बताया कि अभी सिर्फ एक ही होटल ओपन है जो बस स्टैंड के पीछे है, तो मैं फिर वापस आया। होटल का नाम मेंटक डुमरा है। रूम का टैरिफ 900 रुपये पर नाइट है जो कि रूम एंड लोकेशन के हिसाब से ठीक ही है। एंड अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि और सभी होटल्स अभी बंद हैं। ये बालकनी से सामने का व्यू है। चाय पीने के बाद मैं छत पर गया और यहाँ से गांव का ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। ये सामने मोनेस्ट्रीज हैं एंड ये ऊपर केव्स हैं। थोड़ा आराम करने के बाद मैं गांव के टूर पर निकल पड़ा। यहाँ ऊपर बुद्धिस्ट लैंग्वेज में ओम मणि पद्मे हूँ लिखा हुआ है एंड गांव के लोग हर साल इसे पेंट करते हैं। सबसे पहले मैं मोनेस्ट्री आया और ये यहाँ की न्यू मोनेस्ट्री है। इसके साथ ही यहाँ एक स्तूप भी है। न्यू मोनेस्ट्री के साथ ही ओल्ड मोनेस्ट्री है जिसको 1000 साल से भी पुराना माना जाता है। दलाई लामा जी भी ताबो में रिटायर होने की बात कह चुके हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ताबो मोनेस्ट्री सबसे पवित्र मोनेस्ट्रीज में से एक है। इसके अलावा स्पीति वैली में धनकर और की मोनेस्ट्रीज भी सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से हैं। यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और पर पुरानी वॉल पेंटिंग्स एंड मड स्टैचूज देखकर काफ़ी अच्छा और अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मोनेस्ट्री का अपना गेस्ट हाउस भी है एंड ताबो में स्टे करने का बेस्ट ऑप्शन भी यही है। रेट्स कुछ 500 रुपये के आसपास हैं बट अभी ये बंद हैं। फेब एंड में ही स्पीति वैली टूरिज्म के लिए ओपन की गई थी तो अभी होटल्स और होमस्टेज खुले नहीं हैं।
यहाँ पर गाइड्स भी हैं जो फ्री में आपको मोनेस्ट्री का टूर देंगे। मुझे इन भैया ने यहाँ पर घुमाया, और क्योंकि लोग बहुत कम हैं तो उन्होंने मुझे विलेज घुमाने के लिए भी ऑफ़र किया। मोनेस्ट्री के अलावा यहाँ पर स्पीति नदी और ऊपर गुफाएं हैं जो कि देखने वाली चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हम नदी की ओर चल दिए। ये यहाँ का स्कूल है और हॉस्टल भी। स्पीति वैली के काफ़ी बच्चे यहीं पढ़ते हैं और यहीं रहते हैं। ये स्कूल भी मोनेस्ट्री द्वारा ही रन किया जाता है। तो हम नीचे रिवर के पास पहुँचे। गांव के जस्ट साथ ही ये स्पीति नदी बहती है। पानी ठंडा और एकदम साफ है। कुछ देर यहाँ बातें करने के बाद हम ऊपर केव्स के लिए निकले। मोनेस्ट्री की इस शॉप से हमने कुछ खाने पीने का सामान भी साथ ले लिया। यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है और मौसम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। ऊपर केव्स तक एक छोटी सी हाइक है। इन केव्स में माना जाता है कि पहले मॉन्क्स मेडिटेशन करते थे। यहाँ ऊपर से ताबो का पूरा व्यू दिखाई देता है। तो पूरा गांव एक फ्लैट लैंड पे ही है। भैया ने बताया कि यहाँ पहले वॉर्स लड़े जाते थे, एंड जब हज़ारों की संख्या में लोग मर गए तब कुछ मॉन्क्स ने यहाँ मोनेस्ट्री बनाई ताकि वॉर्स बंद हो सकें। में BSNL के साथ साथ अब जियो की भी बहुत अच्छी सर्विस है। तो केव्स घूम के हम वापस नीचे आए। यहाँ भी भैया ने पैसे तो एक्सेप्ट नहीं किए, तो मैंने उन्हें कुछ जूस एंड चॉकलेट्स दी। फिर इसके बाद मैं होटल आ गया और कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए ऑर्डर किया है। बस में मैंने ड्राइवर से काजा की लोकल बसेस के बारे में पूछा था, लेकिन पता चला कि अभी वो बसेस बंद हैं, इसीलिए काजा के आसपास का सारा ट्रांसपोर्ट कैब या फिर टैक्सी से करना पड़ेगा। तो ये सब सोच के मैंने प्लान किया कि कल वापस नाको जाता हूँ एंड कुछ महीनों बाद वापस यहाँ स्पीति वैली आऊँगा जब तक वो बसें चल पड़ेंगी। सुबह यहाँ से रिकोंगपियो साइट जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो सुबह 5 बजे ताबो रामपुर बस है, और उसके बाद 9:30 बजे काजा शिमला। फूड मिला के यहाँ पर 1,250 रुपये पे किया एंड फिर बस स्टॉप की तरफ गया, जहाँ ठीक 9:30 बजे मेरी बस आ गई। सेम बस और सेम ड्राइवर के साथ मैं नाको की तरफ चल पड़ा। हुरलिंग तक मैं लास्ट सीट पर बैठकर आया, पर हुरलिंग के बाद मुझे फ्रंट सीट मिल गई। तो अगले पार्ट में इस रूट के फ्रंट सीट व्यू के साथ कंटिन्यू करते हैं नाको का सफ़र। धन्यवाद।